स्टार्ट में हम देखते हैं हमारी हीरोइन कैटरीना सबसे छुपते छुपाते कहीं पर जा रही है। और ऐसे छुपते छुपाते जाते हुए वो अपने मन में सोचती है कि अब तक मैंने मेरे डूम को ओवरकम करने की पूरी तरह से कोशिश किया है और मैं अभी तक मरी नहीं हूँ। और ऐसे ही वो एक स्ट्रेंज लुक लेके एक ओल्ड मैन के पास जाती है और उस ओल्ड मैन उसे एक अच्छी अलग से नज़रों से देखता है और फिर उसे एक प्लास्टिक का स्नेक हैंड ओवर कर देता है और कहता है कि ये मेरा एकदम नया वाला क्रिएशन है। तो हमारी कैटरीना इसे देख के कहती है कि ये बहुत ज़्यादा परफेक्ट लग रहा है, थैंक्स टॉम। तो हमें पता चलता है कि उस लड़के का उस ओल्ड मैन का नाम टॉम है और वो ओल्ड मैन हमारी कैटरीना के लिए ये प्लास्टिक का स्नेक बनाता है। तो ये स्नेक को हाथ में पा के हमारी कैटरीना बहुत ज़्यादा खुश होती है और इसको ट्राई करने के लिए अपने काम पर लग जाती है और ऐसा ही एक स्टंट दिखाती है जिसकी मदद से वो उस स्नेक को एक निशाने में फेंक के मारती है और उसका निशाना काफ़ी अच्छा लगता है और यह देख के उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है कि मैंने जो निशाना लगाया है ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। कैटरीना का ये सब कारनामा देख के उसकी मेड उसे पूछती है कि तो आप ये क्या कर रही हैं कैटरीना। तो हमारी कैटरीना उसे बताती है कि देखो मैं एक नेचुरली स्नेक को फेंकने की ट्रेनिंग कर रही हूँ ताकि समय आने पर मैं इसे यूज़ कर सकूँ। कैटरीना का ये सब बातें सुन के हमारी बेचारी मेड को तो कुछ समझ में नहीं आता, तो वो कुछ नहीं कह पाती और अपने माथे को पकड़ के बैठ जाती है कि अरे यार मैंने क्या कर लिया। इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हमें कैटरीना और कीत को दिखाया जाता है। वो दोनों अपने बालकनी में बैठ के काफ़ी इंजॉय कर रहे थे चाय पी के और वो दोनों समर वेकेशन में क्या किया जाए ये सब बारे में ही बात कर रहे थे। तो उन दोनों के बात करने के बीच ही हमारी कैटरीना के एक मेड आके उसे केक देती है, होममेड बनाया हुआ केक, जिसे पा के हमारी कैटरीना काफ़ी खुश होती है। इसके बाद हमारा सीन फिर से चेंज होता है और हमें कैटरीना के मॉम और एक मेड को दिखाया जाता है। तो हमारी कैटरीना की मॉम अपनी मेड को काफ़ी सारी बातें कर रही थी हमारी कैटरीना के बारे में और काफ़ी अच्छा अच्छा बातें कह रही थी वो हमारी कैटरीना के बारे में कि हमारी कैटरीना काफ़ी अच्छी लड़की है, जब से उसके माथे पे चोट लगा है वो पूरी तरह से बदल गई है, काइंड बन गई है, एटसेट्रा एटसेट्रा। कैटरीना के मॉम के बातों को एग्री करते हुए वो मेड भी हमारी कैटरीना के बारे में काफ़ी कुछ अच्छा बोलने लगती है। तो हमारी कैटरीना की मॉम जब उसके बारे में अच्छे अच्छे बातें कह ही रही थी कि हमारी कैटरीना अपने फील्ड पे काफ़ी ज़्यादा आवाज़ कर रही थी। वो हमारी कैटरीना की मॉम जब भी उसके बारे में कुछ अच्छा कहने जाती हमारी कैटरीना पीछे से एक बड़ा सा आवाज़ कर देता। तो इस सब से हमारी कैटरीना की मॉम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। एट लास्ट वो और ख़ुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और इतने गुस्से में आ जाती है कि वहाँ से उठ के चली जाती है अपनी बेटी के पास। और हमारी कैटरीना तो इस तरफ काफ़ी मज़े से अपना काम कर रही थी फील्ड वर्क, तभी उसकी मॉम उसे पीछे से बुलाती है, कैटरीना क्या कर रहे हो तुम। और ये सुन के हमारी कैटरीना की हालत ख़राब हो जाती है कि मॉम आप यहाँ का वर्क क्या कर रही हो। इसके बाद हमारा सीन फिर से चेंज होता है और हमें कीत और कैटरीना को दिखाया जाता है। वो दोनों एक बड़े से ट्री के नीचे वाटरमेलन खाते खाते काफ़ी सारे पुराने दिनों के बातें कर रहे थे। ये सारे बातें करते करते हमारी कैटरीना थोड़ा सा स्लीपी फील करती है और वहाँ पर ही लेट जाती है। तो कीत उसे मना भी करता है कि यहाँ पर मत लेटो बहन, तुम्हें ठंड लग जाएगी, तुम यहाँ पर मत सो। लेकिन हमारी मैं कैटरीना कहाँ सुनने वाली थी, वो तो सो जाती है वहाँ पर। सोने से पहले हमारा कैटरीना कीत को बताता है कि यहाँ पर काफ़ी आरामदायक है भाई और मुझे यहाँ पर काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर सोना चाहती हूँ। और ये कहते हुए वो वहाँ पर सो जाती है और इसे देखते हुए हमारी कीत को थोड़ा बहुत पुराने बातों को याद आने लगता है और वो अपने मन में सोचता है कि जब मैं छोटा था तब मुझे काफ़ी लोग एक गर्ल्स मानते थे, लेकिन जब तुम मेरी ज़िंदगी में आई तब से काफ़ी कुछ बदल गया है। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारे कैटरीना और कीत दोनों ही दौड़ते दौड़ते वही वाले ट्री के नीचे आते हैं और वहाँ पर एकदम सेम हमारी कैटरीना लेट जाती है और कीत भी उसके साथ साथ लेटता है वहाँ पर। तभी हमारा कैटरीना नोटिस करता है कि कीत काफ़ी डर रहा है अपने सपने में, तो हमारा कैटरीना उसे जगाने लगता है। और हमारी कीत अपने सपने में देख रहा था कि उसके जो भाई थे पहले वो हमारे कीत को बुली कर रहे थे। तभी हमारे कैटरीना उसे जगा देता है और कहता है कि क्या हुआ कीत, तुम ठीक तो हो ना। तो कीत कहता है कि हाँ मैं अभी ठीक हूँ, लेकिन इससे पहले मुझे एक डरावना ख्वाब आ रहा था, इस वजह से मैं काफ़ी डर गया था। तभी हमारी कैटरीना उसके हाथों को पकड़ते हुए कहती है कि ठीक है कीत, अब से तुम्हें जब भी डरावने सपने आएंगे मैं तुम्हें जगा दिया करूँगी और मैं तुम्हारे हमेशा तुम्हारे पास रहूँगी। और ऐसा कहते हुए वो हमारे कीत का हाथ पकड़ लेती है और यहाँ पर तो हमारा कीत बेचारा उसे देखता रह जाता है। और हमारी कैटरीना एक स्वीट सा स्माइल देके कहता है कि ठीक है भाई, अब तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा के लिए। तो इसी सारे स्वीट बातों के साथ हमारा फ्लैशबैक खत्म होता है और हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारी कैटरीना तो वैसे की तरह सो रही थी और हमारा कीत इसे देख रहा था। तभी वो सब ये सब याद करके हमारा कीत थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है
और हमारे कैटरीना के सामने आके कहता है कि हाँ, उस दिन के बाद से मैंने कभी और डरावने सपने नहीं देखे, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से, तुम मेरे साथ थे हमेशा। इसके बाद हमारा कीत कैटरीना को देख के थोड़ा सा अट्रैक्ट होने लगता है और हमारा कीत उसके गालों में हाथ रख के उसके पास जा ही रहा था कि तभी हमारी कैटरीना का आँखें खुल जाता है और ये देख के बेचारा कीत तो डर के पीछे हट जाता है। लेकिन हमारी कैटरीना बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी, अचानक से अपनी आँखें खोल लेती है वो बेचारा कीत। मुझे तो इस वक्त कीत के लिए काफ़ी बुरा लग रहा था। इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हमें अगले से दिन का सीन दिखाया जाता है जहां हमारी कैटरीना अपने फील्ड पे आके काफ़ी ज़्यादा खुश थी। वो अपने पके हुए टमाटर को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश थी। वो ऐसे खुश हो ही रही थी कि तभी उसके पास हमारा जियोडो पहुंच जाता है और हमारा जियोडो उसके पास आके कहता है, क्या तुम लेक में जाना पसंद करोगी कैटरीना? तो हमारी कैटरीना कहती है कि ठीक है, चलो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अगले ही सीन में हम देखते हैं कि एक कैरेज जा रहा है और उस कैरेज में है हमारी हीरो हीरोइन कैटरीना और जियोडो। तो ये दोनों लेक के लिए जा रहे थे तो कैरेज से जाते जाते हमारा जियोडो कैटरीना से कहता है कि देखो, ये दिन काफ़ी हॉट हो रहे हैं, है ना, ये काफ़ी गर्म दिन है। तो हमारी कैटरीना अपने मन में सोचती है कि ये तो कह रहा है गर्म दिन है, लेकिन ये मेरे इतने पास क्यों बैठा है। तो यही सब सोच ही रही थी कि तभी अचानक से वो कैरेज रुक जाता है। तो हमारा जियोडो और कैटरीना दोनों ही शॉक्ड होते हैं कि अचानक से कैरेज क्यों रुक गया। तभी हमें दिखाया जाता है उस कैरेज के रुकने की वजह, हमारा कीत वहाँ आ गया है। बेचारा जेलस फील कर रहा था इसलिए दौड़ते दौड़ते चला आया हमारी कैटरीना के पास ताकि वो और जियोडो अकेले में टाइम ना बिता सके। तो हमारे कीत को देख के हमारी कैटरीना का पल्ले में तो कुछ नहीं पड़ता, लेकिन हमारा जियोडो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है। अचानक से कीत को यहाँ पर देख के हमारी कैटरीना उससे पूछती है कि क्या हुआ, कुछ गलत हुआ क्या कीत? तो कीत बताता है कि नहीं नहीं कुछ गलत नहीं हुआ, लेकिन असल में तुम लोग ऐसे जा रहे हो तो मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है। ये सुन के हमारा कीत अपने फ्लैशबैक में सोचता है कि उसने हमारा एलन से पूछा था कि जियोडो कहाँ पर है, तो अभी एलन उसे बताया था कि जियोडो अकेले में गया है बाहर। ये सुन के हमारे कीत को थोड़ा सा शक हुआ और वो हमारी कैटरीना के पीछे पीछे चला आया। लेकिन ये सब बातें तो हमारी कैटरीना के पल्ले में नहीं पड़ता, वो समझती है कि हमारा कीत थोड़ा सा लेफ्ट आउट फील हो रहा है उसे, इसलिए वो चला आया। उसे लोनली फील हो रहा था हमारी कैटरीना के बगैर, इसलिए वो हमारे साथ चल दिया। लेकिन हमें ही तो पता है ना, हमारे कीत के अंदर जलसी था इसलिए वो ऐसा किया। लेकिन यहाँ पर तो हमारा कीत और जियोडो एक दूसरे की तरफ एकदम गुस्से वाले लुक लेके देखते हैं। लेकिन हमारी ओब्लिवियस कैटरीना वो सोचती है कि ये दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए हैं और एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छे से व्यवहार करते हैं। इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हमें एक खूबसूरत सा लेक दिखाया जाता है। ऐसा खूबसूरत लेक देख के हमारी कैटरीना काफ़ी एक्साइटेड होती है और कहती है कि ये काफ़ी ब्यूटीफुल लेक है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि उनके ग्रुप के बाकी मेंबर भी यहाँ पर चले आए हैं। यहाँ पर मुझे बेचारा जियोडो के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। उसने सोचा था कि मैं और कैटरीना थोड़ा सा अकेले में टाइम बिताऊंगा, लेकिन यहाँ पर तो सभी लोग टपक गए, तो क्या ही किया जा सकता है, ये सब तो हमारे ग्रुप के ही मेंबर्स हैं। तो छोड़ो, ये सारे लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मज़े करते हैं। तभी हमारी कैटरीना के नज़र पड़ता है एक बोट के ऊपर। तो वो हमारी जियोडो से कहता है कि मुझे वो बोट चना है, तो चलो हम लोग एक साथ चलते हैं। तो जियोडो तो काफ़ी खुश होकर कहता है कि हाँ हाँ चलो ठीक है। लेकिन हमारा कीत कहाँ सुनने वाला था, वो फिर से आके कहता है कि ना मुझे जाना है तुम्हारे साथ। फिर हमारी सूफिया मैरी सब लोग कहते हैं कि ना मुझे जाना है तुम्हारे साथ। ऐसे करके मारिया भी चली आती है कैटरीना के साथ जाने के लिए। बेचारा हमारा जियोडो कहता है कि तुम लोग भूल गए हो क्या, वो मेरी फियांसे है, उसके उसके साथ तो मुझे जाना चाहिए, है ना। लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनने के लिए राजी था। ये सब लड़ाई झगड़ा ख़त्म करने के लिए हमारी कैटरीना सजेस्ट करती है कि चलो एक गेम खेल के हमें ये डिसाइड करना चाहिए कि कौन किसके साथ जाएगा। तभी हमारा एलन कहता है कि ठीक है फिर हम लोग ऐसा रेस करेंगे, इस बोट रेस, तो देखते हैं कौन जीता है। तो हमारी कैटरीना उससे कहता है कि तुम अभी भी बच्चे हो। ये सुन के एलन थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है, लेकिन चैलेंज तो चैलेंज है, हमारी कैटरीना इसे एक्सेप्ट कर लेती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये सभी बोट में चढ़ गए और बेचारा जियोडो के साथ कौन बैठा है देखो, बेचारा कीत। ये देख के मुझे इतनी हंसी आई ना, इतनी हंसी आई कि हाँ ही बताओ। निकोल के साथ बैठा था हमारा प्रिंस एलन और हमारी सोफिया के साथ बैठा था मारिया और हमारी कैटरीना के साथ बैठी थी मैरी। तो अब देखते हैं कि रेस का क्या होता है। तो हमारा एलन बेचारा तो काफ़ी मेहनत करके हैशा हैशा करके चला रहा था नाव, लेकिन फिर भी बेचारा हमारी कैटरीना को हरा नहीं पाता और कैटरीना फर्स्ट आ जाती है। और ये देख के हमारी मैरी बहुत ज़्यादा खुश होकर उसके ऊपर गिर जाती है, जिस वजह से वो दोनों ही नदी में गिर जाते हैं। इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि ये सभी उठ के अब खाने पीने में बैठ गए हैं और वो सभी काफ़ी ज़्यादा मज़े कर रहे थे खाने में। उस वक्त हमारी सोफिया कहती है कि मेरा भाई भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मज़े कर रहा है। ये सुन के बाकी लोग कहता है कि क्या वो मज़े कर रहा है?
तो सोफिया कहती है कि हाँ वो काफ़ी स्माइल कर रहा है। तो हमारा निकोल की तरफ सभी लोग देखते हैं, लेकिन उसके मुंह से तो स्माइल का यहाँ से भी नहीं लग रहा था। तो ये देख के बाकी सब लोग शॉक्ड होते। तभी अचानक से एक बतख आके हमारी कैटरीना के हाथ से एक कुकी को छीन के चला जाता है वहाँ से। लेकिन हमारी कैटरीना ये तो देख के मंजूर नहीं था कि उसका कुकी एक बतख ले गया, तो वो हे कह के उसके पीछे पीछे दौड़ लगाता है और वो उस बतख को कह रहा था कि मुझे मेरा कुकी वापस करो, था जल्दी से दो जल्दी से दो। और ये सब देख के हमारा बेचारा ये बॉयज़ थोड़ा सा शर्मा जाते हैं कि कैटरीना का कोई मैनर्स नहीं है, वो स्कर्ट लेके भागी। तो हमारा जियोडो कहता है कि हाँ हाँ आजकल तो कोई और भी उसे देख के हंस रहा है। ये सुन के निकोल भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़ होता है। तो हमारा जियोडो उसका कन्फ्यूजन क्लियर करके कहता है कि मुझे पता है कि कोई उसे लाइक करने लगा है और उसे देख के थोड़ा सा खुश होता है। जब भी वो उसके साथ होता है तो हमारा ये बंदा स्माइल करता है। तो हमें तो पता चल गया ये किस बंदे की बात कर रहा है, हमारा जियोडो, हमारा निकोल ऑफ कोर्स। तो जियोडो का ये सब बातें सुन के हमारा निकोल कैटरीना की तरफ देखने लगता है, लेकिन हमारी कैटरीना तो उस बतख के पीछे ही अभी तक दौड़ रहा था कि मेरा वो कुकी वापस करो। यार क्या लड़की है यार पर ये। इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि वो सभी घर वापस जा रहे हैं अपने वही कैरेज में। उस कैरेज में हमारा कैटरीना, कीथ और जियोडो था वो तीनों। लेकिन हमारी कैटरीना तो बड़े आराम से घोड़े बेच के सो रही थी। ये देख के कीथ और हमारा जियोडो आपस में कहने लगता है कि देखो वो अभी कितनी डिफेंसलेस होके सो रही है, क्या पता इसको इसको क्या खुद के लिए कोई फिक्र नहीं है। तो हमारा जियोडो कीथ से पूछता है क्या उसे हाउस होल्ड पर कुछ नहीं सिखाया गया। तो हमारा कीथ बताता है कि हाँ उसे तो प्रॉपरली मैनर क्लास दिया गया था, लेकिन उसने तो इतना कुछ नहीं सीखा, वो तो जानती ही हो कैसा है। इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हम देखते हैं हमारी कैटरीना सच धज के एक जगह जा रही थी। तो कीथ उसे पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो हमारा कैटरीना बताता है कि मैं सोफिया के साथ शॉपिंग पे जा रही हूँ। ये कहते कहते वो अपने मन की अदालत में फ्लॉर्ज के अपने दोस्तों के साथ काफ़ी कुछ डिस्कस करने लगती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सभी लोग भी गर्मी की छुट्टियों का मज़ा ले रहे हैं। वो सभी तो ये सब मज़े कर ही रहे थे कि तभी एक कैटरीना, उनमें से कैटरीना देखती है कि एक ब्लैक कपड़ों वाला आदमी यहाँ पर आ रहा है। और वो ब्लैक कपड़ों वाला और कोई नहीं, हमारा निकोल होता है। तो वो आके उस कैटरीना को पकड़ लेती है और कहती है कि चलो तुम्हें एक जगह ले चलती हूँ, चलो अब मज़े करने का टाइम है। तो ये इतना क्लोज निकोल को देख के हमारी कैटरीना भी रेजिस्ट नहीं कर पाती और वो भी थोड़ा सा शर्माते हुए कहती है ठीक है चलो मैं तुम्हारे साथ जाऊँगी। इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हमें मार्केट प्लेस दिखाया जाता है जहाँ पर हमारी कैटरीना, सोफिया और हमारा निकोल ये तीनों जन आए हुए थे शॉपिंग करने के लिए। इसके बाद हमारी सोफिया उसके एक फेवरेट बुक शॉप में उन दोनों को ले जाती है। फिर इसके बाद एक एक करके वो दोनों काफ़ी जगह घूमते हैं, वो तीनों काफ़ी जगह घूमते हैं और काफ़ी कुछ खरीदते हैं एक दूसरे के लिए। काफ़ी एक हेयर पिन खरीदते हैं हमारी कैटरीना और सोफिया, और वो हेयर पिन काफ़ी सुंदर था। इसके बाद वो सभी पेट शॉप में जाते हैं, फूलों के दुकान में जाते हैं। ऐसे ही वो सभी काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं एक दूसरे के साथ टाइम बिता के। इसके बाद एट लास्ट वो काफ़ी रोमांस नॉवल्स बुक भी चुनती है उनके लिए। और काफ़ी ख़रीदने के बाद एट लास्ट हमारे मार्केटिंग का टाइम ख़त्म होता है। कैटरीना के साथ टाइम बिता के हमारी सोफिया तो काफ़ी ज़्यादा खुश थी, हमारी कैटरीना भी सोफिया के साथ टाइम बिता के काफ़ी ज़्यादा खुश थी। तभी अचानक से हमारी सोफिया कहती है कि मुझे एक चीज़ लाना है, मैं भूल गई थी, तो तुम दोनों यहाँ पर रुको, मैं अभी जाके ले आती हूँ। ये सुन के हमारी कैटरीना बोलती है क्या तुम अकेले जा सकोगे। तो हमारी सोफिया कहती है कि हाँ हाँ मेरे साथ सर्वेंट है, मैं अकेले जा सकूँगा। और ये कहते हुए वो हमारे निकोल को सोफिया की तरफ कैटरीना की तरफ धकेल के उसके कानों में कुछ कह के वहाँ से चली जाती है। फिर हमारा निकोल हमारी कैटरीना की तरफ बढ़ता है और उसके साथ कहता है कि मेरी बहन जब से तुमसे मिली है वो काफ़ी खुश रहने लगी है, और इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया कैटरीना, और मैं भी उसके साथ साथ काफ़ी खुश हूँ। और ये कहते हुए वो हमारी कैटरीना के गाल में हाथ रख लेता है और इस वजह से हमारी कैटरीना का हार्ट बीट बढ़ने लगता है। और निकोल को इतना पास देख के वो बेचारी बहुत ज़्यादा शर्माने लगती है और वह बेचारी शर्म के मारे एट लास्ट बेहोश ही हो जाती है बेचारी कैटरीना। इसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारी सोफिया लौट आई थी, और लौट आके वो देखती है हमारी कैटरीना एक जगह पर बैठे बैठे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई है। तो हमारा सोफिया उससे पूछता है कि क्या हुआ कैटरीना, तुम ठीक तो हो ना। तो इसी के साथ वो वाला सीन भी चेंज होता है और हमें एक रात का सीन दिखाया जाता है। तो यहाँ पर एक पार्टी हो रहा था जहाँ पर हमारा प्रिंस एलन पियानो बजाने वाला था, और यहाँ पर हमारी कैटरीना और बाउस के बाकी दोस्त भी आए थे। तभी वहाँ पर स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट आके उन लोगों से गुड इवनिंग कहता है। तो हमारा कैटरीना भी कहता है कि बहुत अच्छा लगा तुम्हें हमारे समर वेकेशन में तुम्हें देख के स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट। और हमारा स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट भी कहता है कि मुझे भी तुम लोगों से मिलके काफ़ी अच्छा लगा। इसके बाद सारा जगह का लाइट ऑफ हो जाता है और हम देखते हैं हमारा प्रिंस एलन पियानो बजाना शुरू कर दिया है।
और उसका पियानो का आवाज़ से हर कोई कैप्टिवेटेड हो जाता है और हर किसी को उसका सुर बहुत ज़्यादा पसंद आता है। जैसा कि हमें पहले से पता है कि हमारा एलन बहुत अच्छा पियानो बजाता है, तो वही जादू सब में छा गया था। हमारा एलन का पियानो का जादू जो बहुत अच्छा बजा रहा था। प्रिंस एलन का पियानो सुन के हमारी कैटरीना भी बहुत ज़्यादा मोहित हो जाती है और हमारा एलन पियानो बजाते बजाते हमारी कैटरीना की तरफ ही देख रहा था और कैटरीना को ऐसे खुश होते देख के उसे भी बहुत अच्छा लगता है। तो इसी के साथ हमारा एलन का पियानो कॉन्सर्ट ख़त्म होता है। इसके बाद हमारी मैरी पहले आके हमारे एलन को एक फ्लावर बुके देती है और हमारा एलन उसे थैंक्स कहता है। इसके बाद हमारी कैटरीना आके भी उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है उसके म्यूज़िक के लिए और इसके साथ साथ उसके गाने की भी थोड़ा बहुत तारीफ करती है। ऐसे ही कैटरीना और एलन दोनों एक दूसरे से बातें ही कर रहे थे तो हमारी मैरी इन दोनों को ऐसे देख के थोड़ा सा चिढ़ जाती है और एलन को कहता है कि तुम्हारे फैन कल वहाँ वेट कर रहे हैं, तुम जल्दी से जाओ और उन्हें उनके साथ बात करो। और अपने मन में सोचती है, मैं और ज़्यादा राइवल बनाना नहीं चाहता। तो हम तो इससे समझ ही सकते हैं कि हमारी मैरी एलन से नहीं हमारी कैटरीना से जेलस फील कर रही है क्योंकि एलन उसके साथ बात कर रहा है। ये कैसा लव ट्रायंगल है यार, मुझे तो पता नहीं है। हमारी मैरी तो कैटरीना के लिए जेलस फील कर रही थी लेकिन हमारी कैटरीना को लगता है कि वो एलन के लिए जेलस फील कर रहा है। इसके साथ हमारी कैटरीना अपने मन में सोचती है कि मुझे आशा है कि हमारा एलन मैरी से फॉल इन लव हो जाए, ना कि मारिया से। इसके अगले सीन में हम देखते हैं हमारा स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट कैटरीना के पास आता है और उसके साथ थोड़ा बहुत बातें करने लगता है। तो हमारी कैटरीना उससे पूछती है, क्या तुम एंगेज्ड हुए हो स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट? तो स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बताता है कि नहीं, अभी तक तो नहीं। तो कहता है, हमारी कैटरीना कहता है, क्या तुम्हारे मन में कोई है, क्या तुम किसी पे इंटरेस्टेड हो? तो वो थोड़ा सा शॉक्ड होकर कहता है कि नहीं नहीं, मैं अभी किसी के ऊपर इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये सुन के हमारी कैटरीना कहती है कि ओ अच्छा अच्छा ठीक है। फिर हमारी कैटरीना को पीछे से जियोडो बुलाता है। तो हमारा प्रेसिडेंट स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट कहता है कि तुम्हारा पार्टनर तुम्हें बुला रहा है, तुम्हें जाना चाहिए। तो हमारी कैटरीना उसकी बातों को मानते हुए वहाँ से चली जाती है। जियोडो के पास जाते ही हमारा जियोडो कैटरीना के साथ डांस करने के लिए पूछता है तो कैटरीना मान जाती है। इसके बाद हमारा मैरी भी प्रिंस एलन को डांस के लिए पूछता है तो प्रिंस भी मान जाता है। फिर वो दोनों कपल डांस करने लगते हैं डांस फ्लोर पे, लेकिन यहाँ पर एक लड़की उन्हें घूर के देख रही थी। इसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है हमारी कैटरीना की इससे हेल्प मांग रहा है क्योंकि उसका समर वैकेशन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है और उसने अभी तक कोई भी होमवर्क नहीं किया, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान है। तो कीट भी उसके बात को मानते हुए कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा हेल्प करूँगा लेकिन तुम्हें भी बहुत सारा हार्डवर्क करना पड़ेगा। तो हमारी कैटरीना मान जाती है। इसके बाद हम देखते हैं वो दोनों रात जागते हुए काम कर रहे हैं। तभी हमारा कैटरीना कीट को बताता है कि तुम अब जाओ, तुम जाके सो जाओ, मैं बाकी काम खुद कर लूँगी। तो कीट कहता है कि तुम कर लोगे ना? तो हमारी कैटरीना कहती है कि हाँ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हमारी कैटरीना सोते सोते एक सपना देख रही थी और वो अपने सपने में अपने प्रीवियस लाइफ का कुछ मेमोरीज को देखता है। तभी अचानक से उसका सपना टूट जाता है। हमारी मेड आके उसे बुला लेती है, नींद से जगा देती है और उसे गुड मॉर्निंग कहती है। तो हमारी कैटरीना अपने मन में सोचती है कि अब तक मैं सपना देख रही थी, काफ़ी अलग सा सपना था, आज का काफ़ी दिन बाद मैं ये सब देखा। वो ये सब सपने के बारे में सोच ही रही थी कि हमारे मेड उसे बताता है, क्या लेडी कैटरीना, आप सारी रात से ये होमवर्क कर रहे थे? तो हमारी कैटरीना को होश आता है कि उसने तो अभी तक कुछ भी नहीं किया है। ये देख के बेचारी कैटरीना के दिमाग के ऊपर बिजली गिर जाती है, वो बेचारी क्या करेगी समझ में नहीं पाती। इस एपिसोड के स्टार्ट में हम हमारी कैटरीना का प्रीवियस लाइफ का कुछ मेमोरीज को देखते हैं। तो यहाँ पर हम जो लड़की को देख रहे हैं, ये हमारी कैटरीना के अगले लाइफ का बेस्ट फ्रेंड था। तो इन दोनों के फ्रेंडशिप स्टार्ट होता है एक छोटा सा इनकाउंटर से और इन दोनों के ये छोटा सा एक्सीडेंट के बाद ये दोनों एक दूसरे को जानने लगते हैं और हमारी कैटरीना इस लड़की का फ्रेंड बन जाती है और ये लड़की हमारी कैटरीना को काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगती है और ये दोनों एक दूसरे के साथ एकदम बेस्टेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। और ऐसे ही टाइम बीतता जाता है और ये दोनों आगे और भी ज़्यादा क्लोज होने लगते हैं। ऐसे ही टाइम बिताने से उन दोनों को एक साथ हाई स्कूल में भी एडमिशन मिल जाता है तो वो दोनों बहुत ही खुश रहे थे। लेकिन अचानक से सब कुछ उलट पुलट हो जाता है जब हमारी कैटरीना का एक एक्सीडेंट में डेथ हो जाता है और इस वजह से उसका ये दोस्त का काफ़ी हालत ख़राब हो जाता है। वो अंदर से पूरी तरह से टूट जाती है और अपने मन में सोचती है कि मैं उसे और कभी नहीं देख पाऊँगी, वो हमेशा के लिए चला गया मेरे से और अभी मुझे उसके बिना जीना होगा, और ये कह के वो रोने लगती है। तभी अचानक से हमारा प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारी सोफिया अपने नींद से जागती है और उसके भी आँख में आंसू थे। तो वो ये ड्रीम देख रही थी, ये सब हमने इतनी देर से जो कुछ भी देखा वो हमारी सोफिया अपने ड्रीम में देख रही थी। तो ये अचानक सा दर्द भरा ड्रीम देख के हमारी सोफिया दौड़ते दौड़ते हमारी कैटरीना के पास आती है और कैटरीना के साथ उस ड्रीम के बारे में थोड़ा बहुत बातें करने लगती है। फिर उन दोनों को
एग्जाम का याद आता है और वो दोनों एग्जाम के बारे में बातें करते हैं और एक दूसरे को बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। और ऐसे ही उनके एग्जाम का दिन भी आ जाता है और वो सभी एग्जाम के लिए पूरी तरह से रेडी लग रहे थे। तो इनका ये एग्जाम होने वाला था एक केव में, जहाँ पर इन सभी को एक ट्रेजर को ढूंढना है। लेकिन ये एग्जाम इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि इस गुफा में काफ़ी ज़्यादा खतरा है और इनको इस खतरे को ओवरकम करना होगा। तो यही इनका टेस्ट है। तो यहाँ पर खतरा है, इस वजह से हमारा जियोडो थोड़ा सा हीरो बनके हमारी कैटरीना को प्रोटेक्ट करने की बात करता है। लेकिन हमारा कीत उसके सामने आ जाता है कि नहीं नहीं, मुझे मेरे बहन को प्रोटेक्ट करना अच्छे से आता है, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। इन दोनों को ऐसे लड़ते हुए देख के ये तीनों लड़कियाँ हमारी कैटरीना को काफ़ी ज़्यादा घूर के देखती है और उसके बारे में काफ़ी भला बुरा कहने लगते हैं। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देती हूँ कि यहाँ पर हमारा स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट और हमारा निकोल दोनों ही सीनियर्स हैं, इसलिए ये दोनों हमारी बाकी स्टूडेंट्स को गाइड करने वाले हैं यहाँ पर। इस वजह से हमारा स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट उन बाकी स्टूडेंट्स को गुड लक कहते हैं। इस पार्ट का स्टार्ट होता है वही वाला केप से, जहाँ पर हमारे ऑल मेन कैरेक्टर अपने टेस्ट देने के लिए गए हुए थे। तो हमारा जियोडो, कीत और कैटरीना और हमारी सोफिया, ये चारों एक टीम में थे और हमारी मैरी, हमारी मारिया एंड हमारा प्रिंस एलिन वो दूसरे टीम में थे। ये सभी लोग अपने मजे मजे में जा रहे थे, तभी हमारी कैटरीना को सामने एक बटन दिखता है और वो अपने क्यूरियोसिटी को कंट्रोल नहीं कर पाती और बटन को दबा देती है। और तभी अचानक से ढेर सारा पानी हमारे कीत और जियोडो के ऊपर गिर जाता है और ये देख के हमारी कैटरीना समझ नहीं पाती कि कहाँ से ऐसा हो गया। फिर वो उन दोनों के पास जाने लगती है, लेकिन गलती से और एक बटन प्रेस हो जाता है साइट पर और इसके बाद वो थोड़े से खामोश हो जाता है कि कहाँ क्या होगा, अब कहाँ से आएगा। तभी हमें देखा जाता है कि पीछे से एक बड़ा सा पत्थर उनकी तरफ आ रहे थे और वो लोग भी ये सब देख लेते हैं और वहाँ से दौड़ लगा देते हैं, भागो भागो कह के वहाँ से भाग जाते हैं वो लोग। और इस वजह से हमारी कैटरीना के ऊपर हमारा कीत और जियोडो थोड़ा सा गुस्सा हो रहा था। तो हमारी कैटरीना कहती है कि सॉरी, मुझे गलती हो गई मुझसे। ऐसे कहते हुए वो लोग भाग जाते हैं और एक गली में घुस जाते हैं और पीछे से वो पत्थर निकल जाता है। इसके बाद और एक मुसीबत आ जाती है, उनके सामने एक जमा हुआ रास्ता था। तो यहाँ पर हमारा जियोडो एकदम हीरोइक स्टाइल से आता है और सबसे कहता है कि एवरीवन, तुम लोग पीछे हट जाओ, इससे मैं निपट लूँगा, तो तुम लोग थोड़ा सा साइड हो जाओ। और ये कहते हुए वो अपना मैजिक करता है और ये मैजिक मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, वो बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। तो यहाँ पर वो मैजिक करते हुए अपने फायर को निकालता है और अपने फायर मैजिक की मदद से वो उस आइस को पिघला देता है। जियोडो का ये इतना अच्छा मैजिक देख के हमारी कैटरीना, कीत और सोफिया ये तीनों ही काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो गए थे हमारे जियोडो से। तो हमारी कैटरीना भी उसे कहती है कि दैट्स अमेजिंग जियोडो। तभी अचानक से हमारी सोफिया नोटिस करती है कि वो आइस फिर से बंद हो रहा है, तो चलो सब लोग चले। तो जियोडो भी कहता है कि हाँ हाँ चलो जल्दी से चलो यहाँ से, और वो सभी यहाँ से निकल जाते। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें हमारी मैरी, एलिन और हमारे मारिया का सीन दिखाया जाता है। वो सभी भी यहाँ एक जगह से जा रहे थे, तभी हमारी मारिया को एक क्रिस्टल दिखता है और वो लोग समझते हैं कि ये वो ट्रेजर है जिसके ढूंढने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। लेकिन वो असल में एक ट्रैप था जिसमें हमारी मैरी और हमारी मारिया दोनों ही फंस जाते हैं। तभी वो दोनों देखते हैं कि नीचे का जो ग्राउंड है वो गिर रहा है और हमारे एलिन हमारे इन दोनों को भागने के लिए कहता है, लेकिन भागते भागते हमारी मैरी अचानक से गिर जाती है। तो एलिन दौड़ के आता है और हमारी मैरी को गोद में उठा के ले आता है बाहर, और ये सीन काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। इसके बाद हमारी मैरी और मारिया एक दूसरे से कहता है कि हम लोग एक ईजी ट्रिक में फंस गए थे, मुझे तो बिलीव ही नहीं होता। इसके अगले सीन में हम देखते हैं हमारे दूसरे टीम और एक जगह में आके फंस गए हैं। वहाँ पर दो रास्ते हैं और वो लोग कहाँ पर जाए ये उन्हें समझ में नहीं आ रहा। तो उन्हें सामने एक लिखावट दिखता है, लेकिन वो लिखावट एक अलग भाषा में था इसलिए वो सभी समझ नहीं पा रहे थे। तो हमारा सोफिया और हमारा कीत उस रिडल को थोड़ा थोड़ा करके पढ़ता है और उन्हें समझ में आता है कि उन्हें कहाँ पर जाना है। तो इस वजह से वो सभी चल देते हैं, लेकिन आगे आके उन्हें देखने को मिलता है बड़ा सा एक पूल जहाँ पर अंदर कुछ है और जो खतरनाक हो सकता है। इस वजह से हमारा कीत अपना मैजिक यूज़ करता है और वहाँ पर एक मिट्टी से ब्रिज बना देता है और ये भी काफ़ी ब्यूटीफुल था। ये देख के भी हमारे बाकी मेंबर बहुत ज़्यादा इंप्रेस होते हैं हमारी कीत से, और इन सब का इतना अच्छा अच्छा कारनामा देख के हमारी बेचारी कैटरीना खुद को बहुत ज़्यादा यूजलेस समझ रही थी। तो वो भी कुछ करने के लिए ट्राई करती है और एक छोटा सा खोल को अपना अर्धबम से भर देती है और कहती है कि देखो देखो मैंने कितना अच्छा काम किया, तुम लोग गिरने से बच गए। और ये सीन सच में कितनी फनी था। तो हमारे कैटरीना का मन रखने के लिए वो तीनों भी कहते हैं कि हाँ हाँ तुमने काफ़ी अच्छा काम किया है। तभी हमारे कैटरीना फिर से एक पत्थर पे पैर रख देती है और वहाँ से बहुत सारा तीर आने लगता है। तो हमारा जियोडो और कीत दोनों ही मिलके उसे प्रोटेक्ट करने लगता है, लेकिन इसी के बीच हमारी कैटरीना अपना बैड लक यूज़ करते हुए एक होल में गिर जाती है फिर से, और वो अकेले अब बहुत नीचे जा चुका था।
तो हमारा जियोड और एलिन का फाइट खत्म होने के बाद वो जब हमारी सोफिया और कैटरीना का ख्याल रखने के लिए उनकी तरफ घूमता है तो देखता है कि सिर्फ सोफिया वहाँ पर बैठी हुई है डर के, लेकिन हमारी कैटरीना का कोई खबर नहीं है। तो ये देख के हाँ वो तीनों ही घबराने लगते हैं कि कैटरीना अब कहाँ चली गई। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कैटरीना एक बड़े से अंदर का गुफा में आ गया है और जहाँ पर क्रिस्टल की मदद से काफ़ी सुंदर नज़ारा थे, है ना। तो इस गुफा में फंसी हुई हमारी छोटी कैटरीना अपने मन के अदालत में फिर से पहुँच जाती है और अपने मन में डिसाइड करने लगती है कि अब क्या किया जाए। तो इसके बाद वो हमारी कैटरीना देखती है कि सामने कुछ मशरूम्स है और इसके साथ साथ हम भी देखते हैं कि उसके पीछे कुछ काला रंग का धुआं जैसा काला काला छाया था, लेकिन हमारी कैटरीना उसे देख नहीं पाती। इसके अगले सीन में हम देखते हैं हमारी सोफिया बहुत ही दौड़ते दौड़ते अपने भाई के पास आके कहती है कि देखो कैटरीना खो गई। और तभी कोइंसिडेंसली हमारा एलिन और हमारी मैरी और मारिया वो भी यहाँ पर आ गए थे। तो हमारी सोफिया अपने मन में सोचती है कि आज का सुबह का जो सपना था क्या ये उसी की वजह से कुछ हो रहा है। ये सभी हमारे कैटरीना के लिए काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थे। तभी हमारे निकोल को आइडिया आता है कि वो अपने मैजिक के मदद से हमारे कैटरीना का वॉइस को ट्रैक कर सकता है। ये सोचते हुए वो अपना मैजिक यूज़ करने लगता है और ये एक मैजिक भी काफ़ी सुंदर लग रहा था। सोफिया अपने भाई को ऐसे मैजिक करते हुए देख के वो भी वहाँ उसके साथ ज्वाइन हो जाता है, क्योंकि वो दोनों का मैजिक एक ही था, विंड मैजिक। और वो दोनों एक विंड मैजिक क्रिएट करके हमारी कैटरीना के वॉइस का ट्रैक करने लगती है। और यहाँ पर हमारी कैटरीना घूमते घूमते एक बड़ी जगह में आ गया है जहाँ पर काफ़ी सारे मशरूम थे और जिसको देख के हमारी कैटरीना तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। और तभी हमारी कैटरीना मशरूम के चिल्लाती है और ये दोनों पकड़ लेते हैं उसका आवाज़ विंड के मदद से। और क्योंकि हमारी कैटरीना मशरूम कह के चिल्ला रही थी तो इन लोगों को भी मशरूम सुनाई देता है। ये मशरूम वाली बात सुन के सभी लोग थोड़ा बहुत चौंक जाते हैं, लेकिन हमारी मैरी कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि वो ऑल राइट है, वो सेफ है। इस पार्ट के स्टार्ट में हम देखते हैं वो सभी हमारी कैटरीना के वॉइस को ट्रैक करके उसके पीछे जा रहे थे और यहाँ पर हमारी कैटरीना उन सब मशरूम्स को तोड़ने का ट्राई कर रहा था, लेकिन उससे वो नहीं हो पाता। तो इस वजह से वो सामने पड़े हुए एक स्टोन को लेके उस क्रिस्टल से उन मशरूम को तोड़ने लगता है और इससे काफ़ी जल्दी वो मशरूम टूट भी जाते हैं। और ये देख के हमारी कैटरीना अपने मन में काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। यहाँ पर हम हमारी कैटरीना के पीछे एक फही वाला काला रंग का छाया फिर से देखते हैं, लेकिन यहाँ पर भी वो काले छाया को हमारी कैटरीना नहीं देख पाती। उसे कुछ अलग सा फील होता ज़रूर है और वो पीछे भी मुड़ती है, लेकिन वो कुछ नहीं देख पाती अपने पीछे। उससे पहले ही वो काला छाया वहाँ से गायब हो गया था, लेकिन हमारी कैटरीना को लगता है कि वहाँ पर कोई है, इस वजह से वो वहाँ से उठ के थोड़ा सा आगे जाने लगती है। लेकिन तभी जो होना था वो हो जाता है और वो गिर जाती है। गिरने ही वाली होती है, लेकिन वो थोड़ा बहुत कोशिश करके खुद को संभाल लेती है और एक पत्थर से लटक जाती है, लेकिन उसे बहुत ही तकलीफ़ होता है, वो और पकड़ के नहीं रख सकता। लेकिन वो अपने मन में सोचती है कि मैं यहाँ पर ऐसे नहीं मर सकती, मुझे ट्राई करना ही होगा। लेकिन फिर भी वो गिरने ही वाली होती है कि तभी हमारी सोफिया आके उसे बचा लेती है, उसका हाथ पकड़ लेती है। तो हमारी सोफिया कैटरीना को ऊपर लाने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करती है, लेकिन ये हो ही नहीं पा रहा था। तभी हमारी कैटरीना सोफिया से कहती है कि तुम भी गिर जाओगी सोफिया, तुम मुझे छोड़ दो। और ये सुन के हमारी सोफिया रोते रोते कहती है कि नहीं, कभी नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हारा हाथ। तभी अचानक से वहाँ एक बड़ा सा विंड सर्कल क्रिएट हो जाता है और वो हमारी सोफिया और कैटरीना को हवा में उठा लेता है और ऐसे ही उठा के वो ज़मीन पे गिरा भी देता है, रख देता है ज़मीन पे। ज़मीन पे आने के बाद हमारी कैटरीना सोफिया से कहती है, क्या ये विंड पावर तुम्हारा था सोफिया? तो हमारी सोफिया कहती है कि नहीं नहीं, ये मेरा पावर नहीं था। और इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि हमारी कैटरीना के बैग से वही वाला क्रिस्टल नीचे गिर गया है। इसके बाद हमारी सोफिया कुछ देर हमारी कैटरीना को देखती है और इसके बाद उसका गले लग जाती है और कैटरीना के साथ थोड़ा सा इमोशनल बातें करने लगता है। तो हमारी कैटरीना भी उसे गले लगा लेती है। इसके बाद हमें एक शेडो सा फिगर दिखाया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा डरावने थे। तो हम मुझे लगता है कि वो विंड मैजिक इस शेडो ने ही किया था। आप लोगों को क्या लगता है? इसके बाद एक एक करके वहाँ पर सभी लोग चले आते हैं, हमारा ग्रुप पूरी ग्रुप यहाँ पर एक जगह हो जाते हैं। तभी उन्हें वो क्रिस्टल दिखता है और उन्हें पता चल जाता है कि यही क्रिस्टल है, यही वो ट्रेजर है जिसको ढूंढने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। तो हमारी कैटरीना उन्हें बताती है कि ये क्रिस्टल तो मैंने मशरूम को तोड़ने के लिए यूज़ किया था, क्योंकि ये थोड़ा सा शार्प था इसलिए। तो हमारा कैटरीना का ये सब बातें सुन के हमारा बेचारा एलिन तो पूरी तरह से शॉक्ड होता है। इसके बाद वो बेचारा पूरी तरह से हंसने लगता है, बहुत ज़्यादा हंसता है वो। और बाकी लोगों का रिएक्शन थोड़ा बहुत सेम ही था, क्योंकि उन्हें पता था कि कैटरीना होगी तो कुछ अलग सा तो ज़रूर होगा। तभी हमारी मारिया हमारी कैटरीना के पीछे वो काला शैडो नोटिस कर लेती है, क्योंकि हमारी मारिया एक लाइट मैजिक की यूज़र है, इस वजह से उसे डार्क मैजिक काफ़ी अच्छे से दिखता है।
इसके बाद हमारी कैटरीना सभी से कहती है कि देखो देखो मैंने ये सब मशरूम को कलेक्ट किया है, चलो साहब एक साथ मिलके खाते हैं। ये बात सुनके ये चारों उस मशरूम की तरफ देखते हैं और वो मशरूम बहुत ही पॉइजनस लग रहा था। इस वजह से ये चारों बेचारा डर जाते हैं और कहते हैं कि मुझे नहीं खाना। लेकिन हमारी सोफिया और मैरी दोनों राजी थे, अगर हमारी कैटरीना उन्हें पॉइजन भी देगी वो खुशी खुशी खा लेंगे, ऐसा ही मैटर था उन दोनों में। तो इसी के साथ एपिसोड 7 खत्म होता है दोस्तों। आई होप आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, ताकि मुझे आगे भी वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिल सके। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।